Lenez ve Tezames ve Ali Tobbi Yıldız. एक तो शायद इरफान के लिए रखा गया है, इरफान अगर हाँ इरफान तो वही है बहुत ही उनकी हैंडबॉल एसोसिएशन यहाँ के स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट मेरे साथ मेरे जॉइंट सेक्रेटरी साहब चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साहब हम पूरा अमला यहाँ आए हैं आप बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए क्योंकि हमारा ये मानना है आप बच्चे हमारे कौमी असासा हैं विरासत है जब आप बच्चे खेलेंगे कूदेंगे एक पॉजिटिव एक्टिविटी में शामिल होंगे तो हमारी कौम का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा चाहे हैंडबॉल को लेके बात करेंगे रिसेंटली हैंड सोपोर में फुटबॉल का जो इवेंट हुआ उसकी बात करें हमारा यहाँ एक स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट प्रमोटर उमर कपूर बैठा है उमर बहुत काम करता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गिव हिम अ बिग हैंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन तो हमारा एज जे एम के स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी एंड एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो माई सपोर्ट For all the associations, district associations of Baramula, for all the athletes of Baramula, आपको ground के हवाले से equipment के हवाले से आपको जो जो चीज़ें चाहिए please written form में मेरे पास लाइए हमने already आपकी कुछ कलमबंद की है requirements वो भी आपके लिए सामान procure हो चुका है वो भी जल्दी आपके fields में पहुँचेगा उसके बगैर भी आपकी जो जो demands है written तौर पर जॉइंट सेक्रेटरी साहब को दे दीजिए आपके लिए सारा सामान आ जाएगा और बात सवाल इस वक्त जो है आज के इवेंट का हैंडबॉल का है मुझे बड़ी खुशी हुई है हैंडबॉल में हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो मेडल्स उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स जो कश्मीर से वो बारामूला से हैं हैंडबॉल को प्रमोट करने के लिए जो कैसर वानी है यहाँ पे He does a lot of good work and as a sports lover he is a very 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 good person also. जब भी हमें स्पोर्ट्स के हवाले से कोई भी काम यहाँ पड़ता है हैंडबॉल के मैं कैसर को जब भी फ़ोन की तो मुझे हर बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है प्लीज़ गिव हिम एन अप्लॉज हमारी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के हिसाब से हमारा काफ़ी काम चल रहा है बारामूला में अभी जावेद साहब यहाँ पे सोपोर के कुछ जुमान लेके आए हैं इंशाल्लाह वो रेवन्यू अथॉरिटीज़ हमें वो ट्रांसफ़र करेंगे तो उन ग्राउंड्स पे भी हम काम करना शुरू करेंगे तो ऑल द बेस्ट एंड आई वाज हम शुक्रगुजार हैं मौजूदा हुकूमत के कि आपने देखा होगा संडे को 17 तारीख को जो सोपोर में एक सबसे बड़ा शो मुझे लग रहा है कि मैं भी अब 50 साल का होने वाला हूँ मैंने ज़िंदगी में उतने लोग कभी नहीं देखे हैं जो परसों हमने नाइट फुटबॉल का आगाज़ हमने सोपोर में कर दिया इनविटेशन इंडस्ट्रियल कप उसका नाम है करीबन 48 टीम्स जो कश्मीर प्रोवेंस की जो टॉप टीमें 48 है वो उसमें हिस्सा लेंगी और साथ ही साथ जो आपने संडे को देखा होगा करीबन 15,000 से ज़्यादा शायकीन नाइट फुटबॉल हमने हमारे नॉर्थ एंटायर नॉर्थ में पहली बार
इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए हम मौजूदा हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। और आप देखोगे कि फुटबॉल का जो टैलेंट हमारे पास दिन ब दिन उभर रहा है वो इंशाल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हमने एक ही अहद में कि अगर आप हकीकतन जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ देना चाहते हो तो वही डिपार्टमेंटल टीमें आप रिवाइव कीजिए। इन फिलहाल स्टार्ट में हम नहीं बोलेंगे कि सारी डिपार्टमेंटल टीम बने, लेकिन स्टार्ट में R&B, पुलिस, फूड एंड सप्लाईज या PDC उनकी टीम अगर बनेगी, मुझे लग रहा है कि करीबन 400 से 500 लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे और दैट विल बी गुड फॉर द यूथ जनरेशन। और उसी के साथ हम अगर चाहते हैं कि फुटबॉल के साथ, क्रिकेट के साथ, हॉकी के साथ, बैडमिंटन के साथ, कबड्डी के साथ दिन ब दिन लोग जुड़े, लोगों को लगना चाहिए कि अगर हम ये खेल खेलेंगे इससे हमें रोजगार भी मिलेगा, वो अवलीन फुर्सत मेरी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात होती है जब हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, हमारे पास रजिस्टर्ड जो एसोसिएशंस है, चाहे हैंडबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, वो यूनिट्स आके हमारा यहाँ काम करते हैं। हमारे लिए, सरकार के लिए इस वक्त बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हर दिन खेल, हर जगह जो खेल है, हर एक के लिए जो खेल है, माई यूथ माई प्राइड के तहत जो ये सारे हमारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इनको सपोर्ट करना, इनकी फंडिंग करना, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और ये आज की ये जो कोशिश है यहाँ आने की, इन बच्चों का हौसला अफजाई करने, उसी समय में एक कोशिश है। ऑलरेडी इसमें इंस्ट्रक्शन पास हुई है, बेसिकली इस इंडोर को लेके कुछ इश्यूज है विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वसादा से और हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट उनके साथ सॉल्व करेंगे। और जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियाँ हैं, देखिए पहले एक स्टेज होता है, जीरो लेवल ग्राउंड होता है, एक बिल्डिंग बन जाती है, घर हम बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनती हैं। और ये कोई बड़ी, जब यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी तो AC लगाने की बड़ी बात नहीं है। यहाँ मेरे JE फयाज साहब है, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जितना भी पॉसिबल हो सके इस साल के बजट में या अगले रिवाइज्ड बजट में यहाँ सारे, और ताकि ये फुल फ्लेज्ड स्टेडियम एक बन सके। देखिए, ड्रग्स एक बबा है, ये हमारी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एज ए पेरेंट मैं बात कर रही हूँ, एज ए ऑफिसर बात कर रही हूँ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाना है। स्पोर्ट्स एक इस वक्त सबसे बड़ा रेमेडी है बच्चों को अनहेल्दी एक्टिविटीज़, ड्रग जैसे बाबा से दूर रखने के लिए, क्योंकि जो बच्चा स्पोर्ट्स में चला जाता है उसको फिजिकल फिटनेस का बड़ा ध्यान रहता है। तो हमें एज ए पेरेंट, एज ए सेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल, मैं सबसे अपील करती हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल के साथ जोड़िए। थैंक यू।